देख रहे हैं N20 लाइव, तो लगातार विधान परिषद चुनाव का हर अपडेट आप तक हम पहुंचा रहे हैं। अब चुनाव में महज कुछ घंटों का समय बाकी है और देखा जाता है कि चुनावी सरगर्मियां तेज़ हो चुकी है और इस बार जो सिवान के जो राजनीति समीकरण है कहीं ना कहीं और सालों से अलग दिखाई दे रहा है। और उसमें देखा गया कि 8 दावेदार हैं MLC पद के लिए, लेकिन उनमें जो अशोक कुमार सिंह हैं जो कांग्रेस के MLC प्रत्याशी हैं काफ़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं और सारे प्रत्याशियों का ध्यान इन्हीं पे आ चुका है, कांग्रेस के जो MLC प्रत्याशी हैं अशोक सिंह इन्हीं पे कि किस तरह से इनको रोका जाए। लेकिन उसी दौरान हम पहुंचे हुए हैं इनसे और जानेंगे कि क्या अपील करते हैं महज जो समय बाकी है उस समय में जो भी प्रतिनिधि लोग जीत के आए हुए हैं, क्योंकि लास्ट का जो 48 घंटा होता है वही टर्निंग पॉइंट होता है, उसी में सारा खेल बदल जाता है 48 घंटा में ही। तो ये जानते हैं क्या अपील करते हैं। नेताजी सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल पे आपका। आपको भी बहुत बहुत स्वागत। आप हम सभी जनप्रतिनिधियों से आग्रह करते हैं कि आप 4 तारीख को सुबह अशोक कुमार सिंह के नाम के सामने जो 1 नंबर पर है 1 लिख करके भारी मतों से विजयी बनावें। आप लोगों का सहयोग और समर्थन सिवान के लिए भय मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त सिवान बनाने में सहयोग करेगा और आप लोग सिवान को साफ सुथरा बनावें, इसके लिए आप 1 नंबर पर अशोक कुमार सिंह को प्रथम वरीयता 1 लिख करके विजयी बनावें। नेताजी देखा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी जो है काफ़ी अब पिछड़ा पार्टी बन चुकी है, कभी राष्ट्र का नंबर 1 पार्टी हुआ करती थी, लेकिन आप जितनी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं कतई नहीं लग रहा है कांग्रेस पार्टी के आप उम्मीदवार हैं, तो क्या लग रहा है चुनाव में देखा जाए तो दिलचस्पी है आपको अभी भी? देखिए ये चुनाव जो है ना पार्टी विशेष का बहुत महत्व नहीं रहता है, क्योंकि इसमें चुनाव चिन्ह नहीं होता है, चुनाव चिन्ह आपका चेहरा होता है। जब चेहरा ही चुनाव चिन्ह है तो मतदाता भी तो चेहरा ही देख करके वोट करेगा और चेहरा देख रहा है, सबका चेहरा देख रहा है और इसमें बेदाग छवि अशोक सिंह 1 नंबर पर है, उसको 1 लिख करके जिताने के लिए व्याकुल है और 4 तारीख को हमारे को भारी मतों से भारी हमारे पक्ष में भारी मतदान होगा और सबको जमानत जब्त के लिए। नेताजी सिवान की जो धरती है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की नाम से जानी जाती है, मौलाना मजहरुल हक के नाम से जानी जाती है, लेकिन कभी यह अत्याचार और भ्रष्टाचार के शिकार हो चुकी थी सिवान की धरती, लेकिन सिवान की जनता को उसे निजात मिला है, तो क्या लग रहा है कि अब फिर जनता उधर जाना पसंद करेगी जो साफ सुथरा छवि के हैं उनके साथ जाना पसंद करेगी? हाँ, ये सिवान की जनता साफ छवि के लोग के साथ जाना चाहती है, इसी के चलते हमारे साथ वो लोग लगे हुए हैं और हमारे को मदद कर रहे हैं और हमारे को चुनाव जिताने का। लगभग सारे वोटरों तक आप पहुंच चुके हैं, आपका संदेश सारे वोटरों तक जा चुका है, और क्या लग रहा है कौन है मुकाबला में, किसी से लड़ाई है आपकी? अब तो लड़ाई कोई नहीं है, किसी के साथ नहीं है, काहे कि सब लोग बहुत पीछे है, बहुत पीछे है, किसी के जमानत बचने वाला नहीं है, कोई लड़ाई में नहीं है, हमारे को झूठ बोलने की आदत नहीं है, कोई लड़ाई में नहीं है। तो क्या माना जाए जिस तरह त्रिस्तरीय पंचायती राज चुनाव में जनता ईमानदारी से वोट देकर अपना नेता चुनी थी और वही नेता लोग ईमानदारी पूर्वक अपना विधान परिषद के जो नेता उनको चुनने का काम करेंगे? हाँ हाँ, सभी जनता ईमानदार है, जो जनप्रतिनिधि जीत के आए हुए हैं वो भी ईमानदार हैं। जिस तरह उस समय बाहुबल और धनबल का प्रयोग करने वाले जितने प्रत्याशी थे सारे हारे हैं और स्वच्छ छवि के ही प्रत्याशी जीते हैं, वहीं उसी की पुनरावृत्ति होने जा रही है और धनबल बाहुबल सब का नेस्ता नाबूद हो जाएगा और स्वच्छ छवि का अशोक सिंह को। नेताजी इसके पहले भी विधान परिषद का चुनाव हुआ, MLC का चुनाव हुआ है, लेकिन जनता को पता भी नहीं चलता था कैसे वोट लिया जाता है, कैसे वोट दिया जाता है, लेकिन इस बार अशोक सिंह के आ जाने से MLC का जो मतलब होता है उस समझ में आ गया है और लग रहा है कि इस बार एक लोकसभा विधानसभा का चुनाव हो रहा है, उस तरह का यहाँ पे माहौल देखा जा रहा है, तो क्या लग रहा है मुद्दा पे वोट होगा? नहीं, एक बात सुन लीजिए, वो प्रत्याशी देख करके चेहरा देख करके ही सारे जनता वोट करेगी, पर हमारा चेहरा बेदाग है और कोई भी आदमी हमारे टक्कर वक्कर में नहीं है।
और जो आप आवाज़ उठाने का काम किए हैं शुरू से ही, वार्ड पार्षद का, मुखिया लोग का, बीडीसी का, कि इन लोग का मानदेय भत्ता हम बढ़ाएंगे, अगर मानदेय भत्ता इनका नहीं बढ़ेगा तो विधायक जो लोग हैं उनका भी मानदेय भत्ता बंद होगा, तो क्या लग रहा है आपकी आवाज़ मजबूती से उठेगी तो सरकार तक पहुँच पाएगी? हमारी आवाज़ ही मजबूत है और सरकार को मानना भी पड़ेगा, क्योंकि जितने भी जनप्रतिनिधि हैं ना, वो मैंने पूरे बिहार का अगर जनप्रतिनिधि टाइट हो जाए तो सरकार हिल जाएगी और सरकार को मानने के लिए बाध्य होना पड़ेगा, क्योंकि सही मांग है ये। क्योंकि एक मनरेगा में काम करने वाले व्यक्ति का एक दिन का दिहाड़ी 198 रुपया है, जबकि वार्ड लोग का एक दिन का पड़ता है 2 रुपया, तो क्या लग रहा है इससे उनका गुजर बसर चल जाए? 20 रुपया उनका गुजर बसर चल जाएगा एक दिन में 20 रुपये में? इसी के लिए तो हम लड़ रहे हैं, इसी के लिए तो लड़ाई करने जा रहे हैं, और वो अपने लिए ही हमारे को वोट दे रहे हैं और वो लुचा रहे हैं कि हमारा ये बढ़े और मैंने हम लोगों को इज्जत मिले, इसलिए हमारे को। तो क्या अपील कीजिएगा त्रिस्तरीय पंचायती राज चुनाव में जो जीत के प्रतिनिधि लोग आए हुए, उन लोगों से यही अपील करेंगे कि भाइयों आप सोच समझ करके वोट दीजिए, स्वच्छ छवि ईमानदार छवि के धनी अशोक कुमार सिंह को वोट दीजिए, सिवान को भय मुक्त बनाने के लिए वोट करिए, भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए वोट करिए, इसके लिए आपका भाई आपका आभारी रहेगा और आप लोग एक नंबर पर प्रथम वरीयता का वोट एक लिख करके अशोक कुमार सिंह को के नाम के सामने लिखिए, जो एक नंबर पर ही हैं उसके सामने एक लिखना है और आप अशोक सिंह को भारी मतों से विजयी बनाइए, इसके लिए मैं आपका सदैव आभारी रहूँगा। लास्ट क्वेश्चन नेता जी, देखा जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे प्रत्याशी हैं जिनके पीछे मंत्री लोग का सपोर्ट है, बड़े बड़े विधायकों का सपोर्ट है, और वहीं पर देखा जाए तो अशोक सिंह जो एक विधायक के बल पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि 6 विधायकों पर 1 विधायक भारी पड़ेगा आपका? एक बात सुन लीजिए, ये जो चुनाव है ना, मैंने हमारे विधायक 24 को पारी है, अगर ऐसी बात कहिएगा तो सारण प्रमंडल में 24 विधायक हैं, उसमें सबसे भारी बेशंकर दुबे जी हैं और उनके मैंने सामने कोई टिकता उकता नहीं है, और इस चुनाव में भी उनकी जीत होगी और सब लोगों का पराजय होगा। चलिए, कांग्रेस के सचिव हैं और देखा जा रहा है कांग्रेस पार्टी लगातार संघर्ष करते हुए दिखाई दे रही है, तो क्या माना जाए यहाँ परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा आप लोगों का एमएलसी चुनाव में? सिवान में कांग्रेस प्रत्याशी भाई अशोक सिंह जी मजबूती के साथ लड़ रहे हैं और जीत की ओर अग्रसर हैं, और जितने भी जनप्रतिनिधि सिवान जिला में हैं त्रिस्तरीय पंचायत का, जो लोग हमको जानते हैं जो नहीं भी जानते, सबसे हाथ जोड़कर आग्रह है कि 4 तारीख को एक नंबर पर इनका नाम है अशोक कुमार सिंह का, और उसके सामने आप एक लिखें और इनको भारी मतों से विजयी बनाएं। तो देखा जा रहा है कि एमएलसी के 8 दावेदार हैं और उनमें अशोक कुमार सिंह जो है काफ़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या लग रहा है कांग्रेस के चेहरा पे लोग जाके वोट करेंगे कि अशोक सिंह का जो साफ सुथरा छवि है? कांग्रेस भी इंस्ट्रूमेंटल है इसमें, लेकिन ये सिंबल पर चुनाव नहीं होता है, और जितने भी प्रत्याशी हैं विधान परिषद चुनाव में अभी तक हैं, उन सभी लोगों में हमारे प्रत्याशी अशोक कुमार सिंह सबसे ज़्यादा शिक्षित, सबसे पढ़े लिखे, सबसे साफ सुथरे चरित्र वाले सज्जन इंसान हैं, इस नाते सभी प्रतिनिधि उनके इस चरित्र से वाकिफ व आगाह हो चुका है और वो लोग अपना मूड बना चुके हैं कि हम अशोक सिंह को अपना मत देकर उनको विजयी बनाएंगे। देखा जा रहा है कि अशोक सिंह एक मुद्दा उठा रहे हैं यहाँ पे जो भी प्रतिनिधि लोग हैं, उन लोग के मानदेय भत्ता और पेंशन को लेकर, तो क्या लगता है अगर आपके अशोक कुमार सिंह अगर जीत भी जाते हैं, एमएलसी बन भी जाते हैं, तो क्या इनके आवाज़ को विधान परिषद में सुना जाएगा? क्योंकि कांग्रेस पार्टी का बहुमत तो रहेगा नहीं वहाँ पर, उनके उतना तो उच्च सदन में ये आवाज़ उठाने के लिए सक्षम होंगे। मानदेय भत्ता जनप्रतिनिधियों की आत्मा की आवाज़ है, चूँकि जनप्रतिनिधि हैं उनको मानदेय भत्ता मिलना ही चाहिए, और इसके अतिरिक्त यदि अशोक कुमार सिंह बिहार विधान परिषद के सदस्य बनते हैं तो अपने निजी कोष से या सरकारी कोष से जितने भी जनप्रतिनिधि होंगे सिवान जिला के अंदर, जो इनको वोट दिए रहेंगे वो और जो नहीं दिए रहेंगे वो भी, उनके स्वास्थ्य की जानकारी, उनके स्वास्थ्य के सारे खर्च की जिम्मेवारी हम लोग अपने निजी खर्च से और सरकारी खर्च से उठाने की जवाबदेही तय करेंगे,
और यहाँ से दिल्ली तक उन लोगों का इलाज कराएंगे। खुदा न खास्ते अगर इन प्रतिनिधियों में किसी की तबीयत बिगड़ती है, कुछ होता है तो देखा जाए तो महज 72 घंटा का समय बाकी है। 72 घंटा के बाद वोटिंग होने वाला है, और अपने जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनसे क्या अपील कीजिएगा, और साथ में जो त्रिस्तरीय पंचायती राज चुनाव में जो जीत के प्रतिनिधि लोग आए हुए हैं उनसे क्या अपील कीजिएगा? देखिए, प्रतिनिधियों से ये अपील है कि आप 4 तारीख को भाई अशोक सिंह जी का नाम जो बैलेट पर नंबर 1 पर है उसके सामने रोमन अक्षर में 1 लिख दें और उनको भारी मतों से विजयी बतावें। और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से अपील है कि 1900 ब्लॉक में जो जहां के रहने वाले हैं वो लोग वहां अपने ब्लॉक पर सुबह 7 बजे से अपने कैंप के सामने खड़े होकर लोगों से मिलजुल कर अशोक सिंह की जीत सुनिश्चित करें।